तो दोस्तों, आईपीएल 2024 के सीजन के अंदर मुंबई इंडियंस की टीम ने वापसी कर ली है और मुंबई इंडियंस की टीम ने लगातार दो मैचेस भी जीत लिए है। और क्या पॉजिटिव साइड रही है मुंबई इंडियंस की टीम की, और अगले मैचेस भी हमें मुंबई इंडियंस की टीम जीतते हुए दिखेंगे या फिर नहीं, तो सारी जानकारी आज के वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी मुंबई इंडियंस की टीम के बड़े वाले फैन और आप लोग भी चाहते हो मुंबई इंडियंस की टीम जीते आईपीएल 2024 का सीजन, तो हमारे वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खास कर आईपीएल से जुड़े हमारी वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों पहले अपडेट की। ये दोस्तों रोहित शर्मा की तरफ से निकल कर आ रहे हैं, जहां दोस्तों रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड बना लिया दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का। रोहित शर्मा ने 106 भी कम्प्लीट कर लिए और रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की टीम के एक बेहतरीन खिलाड़ी अभी फिलहाल मौजूद है मुंबई इंडियंस की टीम के अंदर। हालांकि हमें कप्तानी भी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब हार्दिक पांड्या कप्तानी करते हुए दिख रहे हैं और रोहित शर्मा ने 106 भी कंप्लीट कर लिया है मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से खेलते हुए वानखेड़े स्टेडियम के अंदर। और दोस्तों, मैं अगर अगले अपडेट की बात की जाए तो ये अपडेट जसप्रीत बुमराह को लेकर आ रहा है, जहां दोस्तों जसप्रीत बुमराह पर्पल कैप में भी आ चुके हैं। पर्पल कैप के जो दोस्तों लाइन रहती है, यानी कि यूजी चहल भी, जसप्रीत बुमराह भी, मुस्तफिजुर रहमान भी है, उनमें सबसे टॉप पर अब जसप्रीत बुमराह आ चुके हैं। और दोस्तों, हमें बस जसप्रीत बुमराह पर्पल कैप भी विन करते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, वैसे आप लोगों को क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह बेहतरीन खिलाड़ी है या फिर युजवेंद्र चहल बढ़िया गेंदबाज है, तो आप अपनी रेकमेंड जरूर कर दीजिए। हालांकि जसप्रीत बुमराह जैसा कोई गेंदबाज दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। और दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई लोग हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जरूर से जाना। अगर मुंबई इंडियंस की टीम के बहुत बड़े वाले फैन और मुंबई इंडियंस की टीम की जर्सी और एमआई की टीम के जो मैच रहने वाले उसके टिकट जीतना चाहते हो स्टेडियम में देखने के लिए, तो फटाफट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और दोस्तों, वही अगर बात की जाए अगले अपडेट की, तो यह अपडेट दोस्तों सूर्य कुमार यादव की तरफ से निकल कर आ रहा है। या दोस्तों, आप लोगों को हमने इससे पहले वीडियो में बताया था कि सूर्य कुमार यादव जो है वो दोस्तों हमें वापसी करते हुए नजर आए थे, लेकिन पहले मैच के अंदर 0 पर आउट हो गए थे। लेकिन अब अगला जो मैच है एमआई की टीम का, वो आरसीबी की टीम के साथ में है और आरसीबी की टीम के खिलाफ रन बनाना काफी ज्यादा पसंद है सूर्य कुमार यादव को। और दोस्तों, हमें कुछ ऐसे ही देखने को मिला, सूर्य कुमार यादव ने काफी खतरनाक तरीके से आरसीबी के गेंदबाजों की पिटाई कर दी है और दोस्तों 50 भी जड़ी है सूर्य कुमार यादव ने, और काफी कम गेंदों के अंदर लगभग 17 गेंदों में 50 रन सूर्य कुमार यादव ने बना दिया मुंबई इंडियंस की टीम के लिए 360 शॉट्स खेलते हुए। वैसे आप लोग की क्या राय है, एमआई की टीम का मिडल ऑर्डर कितना स्ट्रांग हो चुका है, तो आपने रेकमेंड जरूर कर दीजिए। और दोस्तों, हार्दिक पांड्या को अब हमें ज्यादा बूट नहीं करना चाहिए, जहाँ दोस्तों एमआई की कप्तानी थोड़ी बहुत रोहित शर्मा भी कर रहे हैं और थोड़ी बहुत हार्दिक पांड्या भी कर रहे हैं। और अब दोस्तों, हमें कल देखने को मिला वानखेड़े स्टेडियम बूट कर रहा था दोस्तों हार्दिक पांड्या को, लेकिन बाद में फिर सब हार्दिक भी चिल्ला रहे थे, तो हमें भी अब हार्दिक पांड्या को सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को भी हार्दिक पांड्या को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम के खिलाड़ी और मुंबई इंडियंस की टीम के कप्तान है। और दोस्तों, आपस में नहीं लड़ना चाहिए एमआई की टीम के फैंस को और रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के फैंस को, क्योंकि हमें तो आईपीएल की दूसरे फ्रेंचाइजी को हराना है और ट्रॉफी अपने नाम करना है, चाहे वो किसकी भी कप्तानी के अंदर आ जाए। दोस्तों, बस ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो का लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।